हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक सवाल देखते हैं जिसमें कि बिल को एक से अधिक बार इंडोर्स किया गया है और फिर बिल मैच्योरिटी डेट पे हो गया डिसऑनर, तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगे सभी पार्टियों के बुक में, वो देखते हैं। तो सवाल है, अरुण सोल्ड गोड्स टू बाला फॉर रुपीज 16,000 एंड ड्रीव अ बिल ऑन बाला। अरुण ने बाला को गुड्स बेचा 16,000 रुपये का और उसके लिए बाला पे एक बिल लिखा। फॉर 3 months वो ड्यूली एक्सेप्टेड द सेम, और ये बिल लिखा गया था 3 महीने के लिए जिससे कि बाला ने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके अरुण को लौटा दिया। ठीक है, अरुण इंडोर्स द बिल टू चरण, अरुण ने उस बिल को चरण को इंडोर्स कर दिया। चरण इंडोर्स इट टू हिज क्रेडिटर धरम, और फिर चरण जो है अपने क्रेडिटर धरम को ये बिल इंडोर्स कर देता है। धर्म डिस्काउंटेड द बिल एट 15% पर एनम, और धर्म ने बिल को 15% पर एनम के डिस्काउंट चार्जेस पे डिस्काउंट करा दिया। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड ₹100 एज नोटिंग चार्जेस, और जब ड्यू डेट आया बिल का उस समय क्या हुआ, बिल हो गया डिसऑनर और बैंक ने ₹100 नोटिंग चार्ज पे किए। ठीक है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज, हमें जर्नल एंट्रीज सभी पार्टियों के बुक में करने हैं। तो भाई, एक तो अरुण जो बिल्कुल लिखने वाला है, अरुण हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया भाई कौन, तो बाला जिसपे बिल लिखा गया। तीसरा कौन हो गया, तीसरा कौन हो गया भाई, तो तीसरा चरण जिसे अरुण ने बिल इंडोर्स किया, और चौथा पार्टी कौन हो गया, धर्म जिसे चरण ने बिल इंडोर्स किया। ठीक है, तो ये सारे पार्टीज हैं। अच्छा, इसमें डेट नहीं लिखा हुआ बिल के, बिल कब लिखा गया, ये सब डेट वगैरह नहीं मेंशन किया हो तो सवाल में हम लोग बनाते समय डेट मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अरुण ने पहले गुड्स बेचा बाला, तो उसके लिए एंट्री बालाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट गुड्स बेचा। कितने का बेचा, 16,000 रुपए का। और नरेशन नहीं लिखा है, नरेशन कई बार हम लोगों ने लिखा पीछे के सवाल में, तो नरेशन तो आपको पता ही है क्या क्या नरेशन होगा। ठीक है, तो ये अरुण ने बाला को गुड्स बेचा, उसके लिए एंट्री किया बालाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और बाला गुड्स को परचेज करने का एंट्री करेगा, एंट्री करेगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अरुण से अकाउंट, 16,000 का गुड्स खरीदा। अब क्या है, ये बिल लिख रहा है इस अमाउंट के लिए, 16,000 के लिए, जिसे ये एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करके फिर ये अरुण को दे देगा, तो उसके लिए एंट्री अरुण से अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, पेएबल अकाउंट 16,000। ठीक है, ये बिल इसके पास आया, ये अपनी एंट्री करेगा बिल को लेने का, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बाला अकाउंट 16,000 16,000। और ये क्या कर रहा है, इस बिल को अपने क्रेडिटर चरण को एंडोर्स कर दे रहा है, तो उसके लिए एंट्री क्या करेगा, ये चरण से अकाउंट डेबिट टू बेस रिसीवेबल अकाउंट 16,000। ये बिल कर दिया इसने एंडोर्स चरण को, और चरण इस बिल को लेने का एंट्री करेगा, बेस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे ले रही है, अरुण से अकाउंट।
कितना भाई तू 16,000 का बिल, ठीक है थोड़ा इसको और इधर कर धर्म, ठीक है ये बिल लिया अरुण से इसने, ठीक है ये 90 जो है। और चरण फिर अपने क्रेडिटर धर्म को ये बिल इंडोर्स कर देगा तो क्या एंट्री करेगा, धर्म से अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 16,000। अब ये बिल आ गया धर्म के पास, तो धर्म क्या एंट्री करेगा, धर्म बिल देने का एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल धर्म के बिल है ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कौन दे रहे, इसे चरण दे रहा है, चरण से कौन 16,000, ठीक है। और फिर चरण क्या कर रहा है, इस बिल को डिस्काउंट करा दे रहा है, कितने पे भाई, क्या डिस्काउंट चार्ज हो जाए 15% पर है ना, तो 16,000 का बिल है 15% तो 15/100 और कितने मंथ का बिल है, 3 महीने का, तो 3 × 2 = 2, ठीक है। तो डिस्काउंट चार्जेज इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, 3 × 4 में 312 करेंगे, फिर 0000 ये काट लिया, फिर 4 × 4 = 16,000 यानी हो गया 1500 × 7 ₹600 हुए डिस्काउंट चार्जेज, ठीक है। तो अब इसके लिए एंट्री बिल्कुल जो बैंक से डिस्काउंट कराया, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 600 कम मिलेगा यानी 15,400 डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट 600 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 16,000, ठीक है। अब क्या होगा कि ये बिल को जब इसका ड्यू डेट आ रहा है, बिल हो जा रहा है डिसऑनर, तो बिल जब डिसऑनर होगा और डिसऑनर जब हो रहा है, चूंकि बिल बैंक में था तो बैंक जब पेमेंट के लिए उसे प्रेजेंट करती है तो बिल हो जाता है डिसऑनर, क्योंकि ये बाला पेमेंट नहीं करता है, तो बैंक क्या करेगी, अच्छा बैंक को यहाँ पे नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा ना 100 रुपये, तो अब बैंक क्या करेगी, वो बिल किसे वापस लौटाएगी, धर्म को, धर्म ने ही बिल डिस्काउंट कराया था ना, तो धर्म के पास बिल आएगा और धर्म क्या करेगा, चूंकि बैंक के बुक में हमें जर्नल एंट्री नहीं करना है इसके लिए, ठीक है। तो हम लोग धर्म से स्टार्ट करते हैं, अब ये धर्म इस बिल को क्या करेगा, धर्म के पास ये बिल बैंक से आएगा और धर्म इस बिल को चरण को देगा, तो क्या लिखेगा एंट्री, चरण से कौन डेबिट कितना, तो 16,100 नोटिंग चार्जेस टू बैंक अकाउंट 16,100, ठीक है। अब ये बिल आया चरण के पास में, चरण को ये बिल कहां से मिला था, तो इसे अरुण ने इंडोर्स किया था, तो ये क्या करेगा, अरुण को डेबिट करेगा, अरुण से अकाउंट डेबिट 16,100 टू कहां से आया इसका बिल, तो धर्म के पास से टू धर्म से अकाउंट 16,100। अब ये बिल आ गया अरुण के पास और अरुण इस बिल को लौटाएगा किसे भाई, बाला को, क्योंकि एक्सेप्टर हुआ है, तो ये अपने यहां क्या एंट्री करेगा, बाला को डेबिट करेगा, बाला से अकाउंट डेबिट टू कहां से बिल इसके पास आया, तो चरण के पास से आया, क्योंकि इसने चरण को इंडोर्स किया था ना, तो चरण तो इसे ही वापस करेगा, टू चरण से अकाउंट 16,100, ठीक है 100। अब इसके बाद में क्या होगा, ये बिल आ जाएगा फाइनली इसके पास वापस, क्योंकि इसने बिल का पेमेंट नहीं किया था, तो ये क्या एंट्री करेगा,
ये एंट्री करेगा। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल वापस लिया कितने का, तो भाई 16,000 का। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज बोलकर केवल यही अपने बुक में दिखाएगा, बाकी लोग नोटिंग चार्ज बोलकर नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि फाइनली जो अल्टीमेटली जो बिल किया है, जो नोटिंग चार्जेस है, किससे बेयर करना है, इसी एक्सेप्टर को बेयर करना है, इसलिए ये अपने यहाँ नोटिंग चार्जेस अकाउंट खोलकर लिखेगा अपने एंट्री में, ठीक है। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपये टू क्या नाम है अरुण से अकाउंट 16,100, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जर्नल एंट्री कर लिया, जबकि बिल को एक से अधिक बार एंडोर्स किया गया था और बिल हो गया था डिजोनर। तो अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।